हेलो एवरीवन, आज इस लेक्चर में अपन किसी केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है, इस बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो हेडिंग डालिएगा रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आपको गिवन केमिकल रिएक्शन सिंपल है, फॉर एग्जांपल ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट पी के अंदर, तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कैसे एक्सप्रेस करेंगे? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी। क्लियर? यह तो बात तब हुई जबकि गिवन रिएक्शन के अंदर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स नहीं है, लेकिन अगर गिवन केमिकल रिएक्शन के अंदर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स भी प्रेजेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से लिखेंगे, आइए इसको समझते हैं। इसके लिए एक केमिकल रिएक्शन कंसीडर करते हैं। सपोज N1A प्लस N2B गिव्स यू M1C प्लस M2T। यह एक केमिकल रिएक्शन है, तो इसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, वो आप ध्यान से समझिएगा किस तरीके से लिखेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1/N1, क्योंकि ए रिएक्टेंट है, इसकी कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगी, इसलिए अपन यहां माइनस साइन लगाएंगे। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस 1/N2 dB/dt इज इक्वल टू 1/M1। मतलब जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको 1/ करके लिखना है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शंस जो अपन निकाल रहे हैं वो पर मोल के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस करते हैं। सी प्रोडक्ट है, इसकी कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी, इसलिए अपन यहां पर प्लस ही रहने देंगे। dC/dt इज इक्वल टू 1/M2 dD/dt। क्लियर? तो ये किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस करने का तरीका है। कैसे इसको बोलूंगा, कैसे? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/N1 इंटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू -1/N2 रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। क्लियर? अगर आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए दे रखा है, क्लियर, इस रिएक्शन का अगर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए दे रखा है तो रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, या रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए या बी या अपीयरेंस ऑफ सी और डी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? ओके, इससे पहले अपन को यह जानना आवश्यक है कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू dC/dt। ये क्या है? कंसेंट्रेशन एक्स मान लीजिए, कंसेंट्रेशन मोल्स के अंदर, दैट मीन्स मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय सेकंड। ये क्या हुई? रेट ऑफ रिएक्शन की कंसेंट्रेशन, दैट इज मोर मोल पर लीटर पर सेकंड। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मोल पर लीटर पर सेकंड। क्लियर? ओके, अगर गिवन रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स गैसियस स्टेट के अंदर हैं तो आप रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखेंगे? इफ गैसियस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट देन रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा।
गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय डीटी, क्लियर। एंड फोर, गैसियस रिएक्शन के लिए आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, वी नो, क्लियर। इसको कैसे लिख सकता हूं, एन अपॉन वी इज इक्वल टू पी अपॉन आरटी, क्लियर। इज इक्वल टू मोल पर लीटर क्या होता है, कंसेंट्रेशन सी, सी की वैल्यू यहां रिप्लेस कर सकता हूं, दैट मींस रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डी सी बाय डी टी इज इक्वल टू डी एन अपॉन वी अपॉन डी टी, ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्लियर। या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वन अपॉन वी डी एन बाय डी टी, क्लियर। या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, डी पी बाय डी टी और यहाँ बाहर आ जाएगा आर टी, क्लियर। आर टी क्या है, कॉन्स्टेंट। तो फॉर गैसेस रिएक्शंस इस रिलेशन को आपको काम में लेना है। ओके, बात समझ में आई। अब इसको समझने के लिए अपन एक एग्जांपल, कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। सपोज आपको एक रिएक्शन दे रखी है, क्वेश्चन है फाइंड आउट रेट ऑफ रिएक्शन, या ऐसे लिखता हूं मैं, पहले रिएक्शन लिख देता हूं, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स यू अमोनिया, क्लियर। एंड इट इज टू एंड इट इज बैलेंस्ड बाय थ्री, क्लियर। फाइंड आउट रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। कैसे करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डी कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन अपॉन डीटी इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। इसको मोर करेक्टली अपन इस तरह से लिखें तो ज़्यादा सही है, कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/2 कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया बाय डी टी, क्लियर। इसका आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसको मिटा देता हूं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिएक्शन गिवन है आपको, N2O5 गिव्स यू NO2 प्लस O2। इसको बैलेंस करिएगा, क्या आएगा, 4 times 4 5 2 10, क्लियर, बैलेंस्ड, क्लियर। इन ए क्लोज्ड वेसल दिस रिएक्शन इज कंडक्टेड इन ए क्लोज्ड वेसल, क्लियर।
और आपको रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 गिवन है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 ये दे रखा है सपोज इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मोल पर लीटर, दिस इज गिवन, क्लियर। और आपसे पूछा गया है फाइंड आउट नंबर वन रेट ऑफ रिएक्शन, नंबर टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, क्लियर। थर्ड इज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर। एंड रेट ऑफ ओके, इसका सॉल्यूशन देखिए आप। इस क्वेश्चन को थोड़ा और ट्रिकी अगर मैं बनाऊं तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे लिखिए, आपको जो गिवन है उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, गिवन दैट कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 चेंजेस बाय 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मोल पर लीटर इन 4 सेकेंड, क्लियर। तो एक क्वेश्चन और बन जाएगा आपका फोर्थ, फाइंड आउट रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2, क्लियर। इसको सॉल्व करिएगा, सॉल्यूशन देखिए आप, रेट ऑफ रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन है पहले आप उसको लिखिए, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे इज इक्वल टू -1/2 कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइड अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/4 कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइड बाय डी टी इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय डी टी, क्लियर। आपको देखिए कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 सबसे पहले निकालते हैं अपन, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस क्या है, डी कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइड बाय डी टी। चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 क्या है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय टाइम गिवन क्या है, 4 सेकेंड के अंदर, क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये पॉइंट हटा के 10 कर दूं मैं यहाँ पर, दैट इज 4 इंटू 10 की पावर माइनस 5 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये क्या आ गया, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2। अब अगर आपके पास यह वैल्यू आ गई है, दिस इज, तो आप रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1/4 इंटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2, क्लियर। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 कैसे निकालेंगे, दैट इज इस इक्वेशन को फॉलो करिए आप, दैट इज डी सी N2O5
डिवाइड बाय टी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4, क्लियर, 2 × 2 × CNO2 डिवाइड बाय dt। इसकी वैल्यू पता है आपको कितनी है, 4 × 10⁻¹। इसको आप सोल्व कर सकते हैं। ऐसे ही रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन जो निकाली है वो किसके बराबर है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन की। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 आपने निकाल ही लिया। तो बात समझ में आई कि रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन की स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से किस तरह से रिलेटेड होता है। क्लियर, थैंक यू।